बार फिर आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार की आलोचना की है। उन्होंने ये कहा कि अगर शिवाजी महाराज के चरणों में भूख हड़ताल पर बैठने के बाद कार्रवाई की जाती है तो यह केवल मुगल राज्य में ही की जाएगी। पानी की समस्या को लेकर विधायक नितिन देशमुख शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने अनशन पर बैठे, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने ऐसा करना जारी रखने पर कार्रवाई की चेतावनी दी थी। बता दें कि नार्वेकर की चेतावनी के बाद मीडिया से बात करते हुए आदित्य ठाकरे ने यह रिएक्शन दिया है और मीडिया से बातचीत के दौरान उनके साथ एनसीपी नेता जितेंद्र अवध भी मौजूद थे। बता दें कि मुगल राज्य में ऐसा हो सकता है कि जब हम महाराजा के चरणों में बैठकर न्याय मांगते हैं तो उन्हें नोटिस भेजा जाता है, अपने भगवान से इंसाफ नहीं मांगे तो किससे मांगे। ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने शिंदे फडणवीस सरकार पर हमला बोला है। ठाकरे गुट के विधायक नितिन देशमुख अपने विधानसभा क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं और साथ ही आपको बता दें कि शिवसेना ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने इसकी आलोचना की है और उन्होंने ये भी कहा कि संबंध में कुछ उप मुख्यमंत्री के पास है और उनके आधार पर उप मुख्यमंत्री ने स्थगन दिया, लेकिन यह स्थायी निलंबन नहीं था। इसमें दिए गए बयानों के तथ्यों को देखने के बाद वे आगे के आदेश जारी करने वाले हैं।